A train traveling at the speed of x kilometer per hour crossed a 300 meter long platform in 30 seconds and overtook a man walking in the same direction at 6 kilometer per hour in 20 seconds. What is the value of x? दो पार्ट में करेंगे इस क्वेश्चन को, एक तो प्लेटफॉर्म के केस में और एक मैन के केस में, ठीक है? प्लेटफॉर्म के केस में क्या होगा, कितने सेकंड में वो कर देती है, पार कर देती है? 30 सेकंड में. टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना, 300 अपॉन स्पीड कितनी है, एक्स, एक्स इंटू 5/18. क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए. तो यहाँ से L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, LT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 10 30, 3 6 80, या तो उसको ऐसे ही रहने दो, है ना, 150 x / 18 - 300, ये LT की वैल्यू यहाँ से आ गई. अब मैन वाला केस जो है वो देखेंगे, 20 सेकंड में पार कर देती मैन को, जो जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहा, और डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पे, है ना, और मैन की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड तो हमें पता नहीं है, है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं पता, स्पीड ऑफ ट्रेन सॉरी नहीं पता है हमें, और वो क्या थी, वो तो एक्स थी, -6 मैन की स्पीड, है ना, सेम डायरेक्शन है तो माइनस होगा 6, और यहाँ पे 5/18 का मल्टीप्लाई, तो 5 और 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है. अब इसको भी सॉल्व कर दो ऐसे, तो LT की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 100 upon 18 x - 6. आप दोनों LT की वैल्यू को इक्वेट कर दो, है ना, तो 150 x / 18 - 300 = 100 x / 18 - 600/18. तो ये यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, 50 x / 18 = 300 - 600/18, ये कितना हो जाएगा, 5400. 5400 में से 600 जाएगा, कितना बचेगा, 14 में से 6 8 4800 4800 और 18 18 कट जाएगा अपॉन 50, तो 5 9 45 और 3 5 6 30, 96 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें.